हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक छोटे से एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में जो कि न्यूज़पेपर में काफी देखने को मिलता है। उसका नाम है प्रीवी टू। जी हां दोस्तों, प्रीवी टू क्या होता है, आजकल न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो प्रीवी टू का इस्तेमाल देखते हैं। गाइस, प्रीवी टू का मतलब होता है कि यू हैव बीन अलाउड टू नो अबाउट एनी सीक्रेट। मान लीजिए कि कोई सीक्रेट है, कोई केस है या कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं अगर किसी को अलाउ करूंगा कि वो इसे जान पाए तो वो जान पाता है। तो मान लो कि मैंने ऐसे चार लोगों को अलाउ कर दिया, तो वो जो चार लोग हैं वो क्या है, वो प्रीवी है किस चीज के, टू द इन्फॉर्मेशन। तो जो भी अलाउड है वो प्रीवी है, और फिर आप टू लगाएंगे और किस चीज की प्रीवी है, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है, वो जो डायरी है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो केस है, उसके वो प्रीवी है, यानी कि वो अलाउड है कि वो इसके बारे में जानेंगे। तो याद रखिए कि अगर मैं बोलता हूं कि प्रीवी टू, इट मींस द पर्सन हैज बीन अलाउड टू। एक और तरीके से अगर देखें तो मेड अवेयर ऑफ समथिंग स्पेशली अ सीक्रेट, यानी कि आपको अवेयर करा दिया गया है। खासकर अगर कोई सीक्रेट बात है तो आप अवेयर हो चुके हैं, यानी कि आप प्रीवी टू हैं। तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। आपको सब्जेक्ट बोलना है, जो भी सब्जेक्ट है, आई वी यू दे ही शी इट। फिर आप देखिए कि इज है, एम है, आर है, या पास्ट है तो वाज या वर है। उसके बाद आपको लगाना है प्रीवी टू। अब प्रीवी टू के बाद जो भी मैटर है, जो भी केस है, आप वो केस लगा सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे ही बोल सकते कि आई हैव बिकम, शी हैज बिकम प्रीवी टू, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं गाइस। यह लिखा हुआ है कि आई एम प्रीवी टू दिस सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपको कहीं पर ऐसा दिख जाए कि आई एम प्रीवी टू दिस सीक्रेट इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो सीक्रेट मैटर है, ये जानने को, मतलब आप ये जान चुके हैं, आप भी इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। इट मीन्स यू हैव बीन अलाउड टू नो अबाउट दिस सीक्रेट इंफॉर्मेशन। तो जितने लोग अलाउड होंगे वो सारे प्रीवी होंगे इस चीज के। एक और देखिए, शी इज प्रीवी टू ऑल द डिस्कशंस, यानी कि जितने भी डिस्कशंस हुए हैं अब वो भी जानती है उस चीज को, उसे भी पता है, यानी कि उसे भी अलाउ कर दिया गया है इस डिस्कशन को जानने के लिए, यानी कि वो जानती है इसको। ये होता है प्रीवी टू। ओनली 5 पीपल विल बी प्रीवी टू दिस केस। तो अगर मैं बोलूं कि यार ये केस है और सिर्फ 5 लोगों को ही अलाउ किया जाएगा इस केस के बारे में जानने के लिए, तो 5 पीपल विल बी प्रीवी टू, इस तरीके से बोलेंगे। एक और देखिए, नो वन इज प्रीवी टू व्हाट दोज डॉक्यूमेंट्स आर ऑल अबाउट, यानी कि नो वन इज प्रीवी टू, कोई भी अलाउड नहीं किया गया है ये जानने के लिए कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस बारे में है। तो नो वन इज प्रीवी टू, यानी कि नोबडी इज अलाउड टू नो अबाउट दिस। तो प्रीवी टू मतलब कि आप अलाउ कर दिए गए हैं जानने के लिए, यानी कि आप जानते हैं, आप जान चुके हैं, आप तक वो बात पहुंच चुकी है, यानी कि आप प्रीवी हैं। एक और देखिए, आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू बी प्रीवी टू माई डायरी, यानी कि मेरी जो डायरी है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई और बंदा प्रीवी हो, यानी कोई और बंदा उस डायरी के बारे में जान पाए। तो ये प्रीवी टू आपको दिखाई देता है। तो इज आर एम है, आप चाहे तो विल बी भी लगा सकते हैं यहाँ पर, विल बी ये भी दिखा सकते हैं। इन सब के साथ आप प्रीवी टू लगाएंगे गाइस। अब मैं आपको न्यूज़पेपर में एक छोटा सा दिखाता हूँ, एक सेंटेंस कि न्यूज़पेपर में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ है। तो देखते हैं गाइस। गाइस, अगर मैं प्रीवी टू की बात करूँ न्यूज़पेपर में, तो यहाँ देखिए यह लिखा है कि अ सीनियर ऑफिसर प्रीवी टू, देख रहे हैं, प्रीवी टू द केस सेड। अब इसका क्या मतलब है कि एक सीनियर ऑफिसर है जो प्रीवी टू द केस, यानी कि इस केस के बारे में उसे सब कुछ पता है, इस केस को अलाउ कर दिया गया कि वो जाने, तो यानी कि ये ऑफिसर उस केस के बारे में सारा जानता है। तो सीनियर ऑफिसर प्रीवी टू द केस सेड, यानी कि एक सीनियर ऑफिसर जो कि इस केस के बारे में सारी मालूमातें रखता है, उसने कहा। तो ऐसे न्यूज़पेपर में यूज होता है प्रीवी टू। तो आई होप आप समझ गए होंगे गाइस। तो कभी भी आपको प्रीवी टू मिले तो आप समझ जाना इसका मतलब है कि उस पर्सन को अलाउ कर दिया गया है इसको जानने के लिए, यानी कि वो इस केस के बारे में जानता है।
सो गाइज, आपने देखा कि न्यूज़पेपर में भी प्रीवी टू का इस्तेमाल हुआ है, तो न्यूज़पेपर में काफी चलता है, तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में भी, या जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़े और कभी प्रीवी टू आ जाए तो आप समझ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज़।